अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा मैंने अपना जो सेटअप है ये पूरा चेंज कर दिया। मतलब जो पहले ऊपर ना ये फाइबर ग्लास था, ना ही ये केजेस वगैरह थे, तो सारे मैंने नई चीज़ें ली हैं, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं ये डव से। मेरे पास पाइट डव है, पाइट डव का मेल है, और ये सिल्वर, और सिल्वर कह रहा हूँ, ये डायमंड और जो रेड की क्रॉस से ये निकला हुआ है, जो फीमेल है। तो मैंने इसको पाइड के साथ लगा दिया, और ये मैं इनका जो है बास्केट है जिसके अंदर ये ब्रीड वगैरह करेंगे। इनका दाना और ये क्रेट वगैरह दी हुई है, ये कैल्शियम यहाँ पर नीचे है, ये आया हुआ है, ये जो भी आपको ऊपर दिखाया है ये उसके माँ बाप हैं। इस माँ बाप और ये साइड में एक छोटा सा इसका बच्चा बैठा हुआ है, इनका भी सेम। अब क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ब्रीड कर ली है, अब मैं कोशिश करूँगा जैसे मेरे पास ये वाला बर्ड ब्रीड करेगा ना, ये पेयर ब्रीड करेगा, मैं इसके अंडे उठा के इनके नीचे ट्रांसफ़र कर दूँगा, ताकि ये उस उनको फॉस्टरिंग करें बजाय कि अपने अंडे देने के। क्योंकि अभी वो एक छोटू सा बच्चा भी है, तो वो हो सकता है ज़्यादातर अंडे जो है ना वो ख़राब करें, तो जल्दी से कोशिश करेंगे ये बच्चा जो है जैसे सेल्फ हो जाए इसको मैं अलग अलग कर दूँगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये माशाल्लाह से एक मेरे पास ज़ेबरा फिंच है, और एक जो है मैं कल नई लेके आया हूँ, ये आउल फिंच का जो पेयर है। ये बॉक्सेस मैंने दे दिए इनको, बस पहले से लगा के रख दिए थे, क्योंकि ये बर्ड बहुत छोटा है, खासकर ये जो आउल फिंच है ये तो ज़ेबरा फिंच से भी ज़्यादा छोटी है, तो मसला ना हो जाए कि कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैं पहले लगा दिया। लेकिन इसका जो मैंने इसको डिज़ाइन किया है ना, मतलब ये जिस तरह से ये दो खानों को मैंने एक खाना में कर दिया, और ये अंदर पूरी लकड़ी जो है ये देखें, ऐसे जैसे पूरी दरख्त की शाख थी मैंने वो तोड़ के वही इसके अंदर लगा दी, ताकि ज़्यादा इसमें जहाँ मर्जी बैठना चाहें बैठ जाएँ, और आगे क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दी से भी ये थोड़ा सा महफूज रहें। और इसमें एक मसला है जो, क्योंकि मेरे पास अभी तीन पीस तो बिल्कुल सही हैं, दो आउल के और एक जो है ये ज़ेबरा फिंच जो फीमेल आपको दिख रही है अभी, तो इसका मेल है ज़ेबरा फिंच का, उसकी पाँव में मसला वो है, मतलब उसका एक पाँव जो है ख़राब है, कुदरती ख़राब है, तो वो क्योंकि ये मेरे पास अब अकेला पीस पड़ा हुआ था, मैंने भी जो पिछले जो थे मेरे वो ऐसे ही एक केज था, उसके अंदर ये अकेले अकेला पीस मेल पड़े होते थे मेरे पास ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा इसको अकेले रखने का तो फ़ायदा नहीं है, फीमेल के साथ इसको मैं ले आता हूँ, फीमेल मैं इसके लिए ले आया। फिर माशाल्लाह इन्होंने बॉन्डिंग तो कर ली, अब देख लें, अब बॉक्सेस दे दिए, अब देख लें क्या करते हैं आगे। यहाँ पर आ गया जी मेरा ग्रे जावा का जोड़ा। अब ये ग्रे जावा का जोड़ा है जिनको मैंने कल बॉक्स दे दिया है, ये पेयर मैं से मैं लाया हूँ फॉस्टरिंग करने के लिए। ये जावा का जो ये ग्रे जावा का पेयर है ये फॉस्टरिंग करेगा, जो मेरे पास आगे उधर पड़ी हुई है फोन जावा, अब फोन जावा के जो बेबीज हैं वो ये फॉस्टरिंग करेंगे, इस वजह से मैंने इन्हें लाया था। अब यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आज इनका जो है सॉफ्ट फूड वगैरह मैंने तैयार किया है, इसमें गाजर, चिकंदर और जो सिट्टा होता है उसको क्रश करके जो है इनको मैं वो दिया। और ये आपको पानी दिख रहा होगा येलो कलर का, ये है विटासोल सुपर जो है वो पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, जिस वजह से ये पानी जो है ये ग्रीन कलर में आया हुआ है। अब यहाँ पे ये फोन जावा का पेयर है, इसको भी ये नेस्टिंग दे दी है इसकी, ताकि अब की वो कल बॉक्स लगाया है तो अभी अपनी नेस्टिंग शुरू करें। अभी वैसे अभी मैं जब थोड़ी देर पहले ऊपर आया था तो ये मेल जो था बॉक्स को देख के फ़ौरन एक्टिव हो गया, मतलब जैसे वो अपनी ब्रीडिंग पोजीशन में आना शुरू हो गया था, तो माशाल्लाह से अभी इनकी उम्मीद है बहुत जल्दी ये ब्रीड कर लेंगे। इनको जो केज दिया हुआ वो मैंने दिया 2x2 का,
अच्छी खासी उड़ान इनकी है। और यहाँ से इनका जो है बॉक्स अंदर बाहर होगा चेक करने के लिए, इजीली अंदर बाहर चेक करके तो वहीं से वापस अंदर। यहाँ पर मेरा दूसरा फ़ोन का पेयर है ये, अब माशाल्लाह से इसने ये जो मटकी लगी हुई है, ताकि अब सर्दी आने वाली है तो ये मटकी मसला करेंगी, लेकिन अभी इन्होंने अंदर बच्चे दिए हुए हैं और वो छोटे छोटे से हैं, क्योंकि बॉक्स तो मैं ले आया था इनका सेम इस तरह का ही, तो वो अभी मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी अंदर बच्चे हैं, क्योंकि ये पहले इस केज में नहीं थे, पहले ये थे उस वाले केज में, वो जहाँ पे आपको डव दिखाई है डव वाले केज के अंदर थे ये वाले, लेकिन जगह यही थी। तो मैंने फिर इनको जो है ना रात के टाइम पे मटकी ऊपर से बंद की और आगे से हाथ रख के इनको इसमें ला के जो है इस मटकी को लगा दिया। मतलब वो बर्ड को इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जगह वही है और केज बस थोड़ा सा बदल गया है, साइज़ बड़ा हो गया, अंदर लकड़ियाँ बदल गई हैं, तो इस वजह से वो बर्ड ने जो है इतना ज़्यादा वो जो एक स्ट्रेस्ड बर्ड लेना शुरू कर दिया वो नहीं लिया। अब इन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड की हुई है, अब जैसे बच्चे निकलेंगे वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ पे ये इनका दाना वगैरह और वो ब्रीड कैल्शियम ब्लॉक और ये जो ये है पूरा अब सेटअप, ऊपर ये जो था पहले था ऊपर तरपाल वगैरह लगाई थी तो वो पूरी मैंने बदल के अब ये इन्हीं के पैसों से, फ़ोन के पैसों से मैंने ये पूरा ये जो है तरपाल ये फाइबर ग्लास पूरी लगा दिया। और ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये कपड़े वगैरह ये लगाए हुए हैं बिल्ली से बचाव के लिए, क्योंकि यहाँ रात को अक्सर बिल्लियाँ आती रहती हैं, तो उनके बचाव के लिए जो है ये कपड़ा लगाया हुआ है, हर किसी में लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है और वो उसने उधर भी लगा हुआ है, ये रात को इस तरह से कवर हो जाते हैं। बस अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इनकी ब्रीड भी आएगी। ये आउल फिंच है, ये तो अभी कल आया, इनका देख लेते हैं आगे भी ये क्या रिजल्ट देते हैं। और बाकी जावा भी है और डव भी देख लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।